हेलो गाइस, आर एस वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो में चैनल। और गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे GTA 5 ऑनलाइन में कस्टम मैप्स खेल सकते हो, जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स खेलते हैं यूट्यूब पे। तो गाइस, हमारा भी मन करता है कि ऐसे मैप्स हम लोग भी खेले दोस्त लोग के साथ। तो गाइस, आप लोग इजिली खेल सकते हो पार्कोर मैप, स्टंट रेस और गाइस अलग अलग टाइप के कस्टम मैप, टीम डेथ मैच, सब कुछ आप लोग खेल सकते हो गाइस। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड गाइस आपको मजा आए तो लाइक मार देना और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि मैं GTA 5 के कंटेंट में लाता रहता हूँ। और गाइस, सबसे पहली चीज आपको पता ही होगा, हमें चाहिए होगा ओरिजिनल गेम, एपिक गेम से या फिर स्टीम से, वो मैटर नहीं करता, आप लोग किधर से भी खरीद लो, मेरा एपिक गेम से मैंने खरीदा हुआ है। सो गाइस, आपके पास ओरिजिनल गेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्रैक गेम में आप लोग कर पाओगे, क्योंकि उसमें ऑनलाइन चलेगा ही नहीं। सो गाइस, इसके बाद हम लोग को जाना है गूगल क्रोम पे, यहाँ पे गूगल में, और यहाँ पे लिखना है सोशल क्लब रॉकस्टार। एंड गाइस, पहला यहाँ पे साइट आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ये साइट का। सो आपको ये साइट में जाना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको साइन इन कर लेना है आपका सोशल क्लब अकाउंट। गाइस, मेरे केस में मैंने एपिक गेम्स और सोशल क्लब को मैंने लिंक कर रखा है, क्योंकि जब मैंने डाउनलोड किया था मैंने लिंक कर दिया था दोनों को साथ में। तो यहाँ पे साइन इन करने के लिए मुझे अपना एपिक गेम्स का आईडी लगाना होगा, तो फटाफट गाइस साइन इन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे गाइस मेरा मतलब सोशल क्लब अकाउंट साइन इन हो चुका है, जैसा आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। एंड गाइस, आपका कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे मेरा आईडी पर लॉग इन हो गया आर एस गेमिंग टेक। तो यहाँ पे गाइस आपको जाना है ये वाले बॉक्स पे, एंड यहाँ पे जॉब्स पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एकदम अलग अलग आपको सारे रेसेस देखने को मिल जाएंगे जो आपको खेलने होंगे, आप लोग चूज कर लेना। लेकिन गाइस, आपको सर्च में जाके अगर आपको स्पेशली कुछ रेस ढूंढना है तो आप लोग डाल सकते हो, जैसे कि मुझे पार्कोर रेस खेलना है तो मैं यहाँ पे पार्कोर डाल दूंगा, एंड यहाँ पे रेसेस आ जाएंगे अलग अलग। और गाइस, आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन से अच्छे लगते हैं, या फिर काफ़ी सारे रेसेस भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ में डाल सकते हो। मुझे गाइस ये पहला वाला अच्छा लगा, तो इसे खोलने के बाद गाइस यहाँ पे आपको बुकमार्क का ऑप्शन आया होगा, मुझे रिमूव बुकमार्क का आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुकमार्क कर रखा है। तो यहाँ पे आपको बुकमार्क पे क्लिक करना है। एंड गाइस, अगर आपको GTA 5 ऑनलाइन आपका चालू है तो बंद कर देना गेम और रिस्टार्ट कर लेना, क्योंकि गाइस वो फ्री लोड होगा ये मैप उसमें। तो अभी मेरा GTA तो चालू नहीं है, अभी चालू करके गाइस आपको दिखाता हूँ कि ये मैप उसमें सक्सेसफुली ऐड हो गया होगा। तो ये गाइस याद रख लेना ये नाम। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप कोई रेसेस खोलते हो ऐड करने के लिए, तो आप लोग मेक श्योर कि चेक कर लेना कि इसका रेटिंग कितना है। इसका 72% है, तो मतलब आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि नए प्लेयर्स मतलब इतना ट्राई हार्ड नहीं करना चाहते, वो लोग फन के लिए खेलना चाहते हैं दोस्त लोग के साथ। तो आप लोग ऐसा 70% या 60% के ऊपर ही देखना, अगर 60% नीचे जाते हो तो डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाता है, आप एक लेवल पर जाके मतलब एक टाइम तक आप जाके मतलब अटक जाओगे एकदम, और बहुत ही फ्रस्ट्रेट होगा। तो आप लोग थोड़ा ऐसा इजी रेस ढूंढना जिसमें मजा आ सके दोस्त लोग के साथ। तो चलो गाइस, अभी GTA 5 में आप लोग को दिखाता हूँ कि ये किधर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली मैं GTA के अंदर लोड हो चुका हूँ, और GTA खोल सकते आप लोग ऑनलाइन पे दबा देना ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और मैं इधर गाइस सीधा लोड हो चुका हूँ ऑनलाइन में। इसके बाद गाइस आपको दबाना है एस्केप बटन, एंड गाइस यहाँ पे ऑनलाइन पे दबा लो, और यहाँ पे जॉब्स पे, एंड यहाँ पे प्ले जॉब डबल क्लिक करना, और बुकमार्क पे आपको आ जाना है। और यहाँ पे गाइस आपको सिलेक्ट करना है स्टंट रेस, आपका कैटेगरी रहेगा स्टंट रेस या फिर रेसेस, मैक्सिमम जो भी आप लोग पार्कोर या फिर रेसेस आप लोग सिलेक्ट करोगे यही दोनों ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोग इधर देख सकते हो स्टंट पार्कोर ड्रेसेज जो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे 72% रेस, और यही था गाइस हमारा रेस जो हमने सिलेक्ट किया था। तो ऐसे गाइस आप लोग जो भी रेस चाहो आप लोग GTA 5 में इजीली ऐड कर सकते हो, और ये रेस को एंटर करने के बाद आप लोग अपने फ्रेंड्स ऐड कर सकते हो फ्रेंड लिस्ट पे, या फिर आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो दूसरों को, और आप लोग इनवाइट ओनली आप लोग सेशन भी बना सकते हो ताकि कोई हैकर या कुछ ना आ जाए। तो यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, मुझे बता देना गाइस कमेंट्स में अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन होने में, लेट मी नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यही था गाइस आज के वीडियो के लिए, लाइक मार देना गाइस अगर आपको मजा आया, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, मैं GTA 5 के कंटेंट लाता रहता हूँ चैनल पे। So that was it guys for today's video. Meet you guys in the next video and peace out.